मेरे बाप, तू जहां भी है मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। चल। और माँ लो 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 आम, आ और जा घर में आते ना अपन ना एक और गा एक अरे क्या हो गया देना काला ठाकुर। अरे चुप, कृपया आप यहाँ मर्दों में आ जाइए, ये औरतों की जगह है। अरे ये तुम्हारा मतलब मैं ये जो सुंदरी के साथ कर रहा हूँ वो मर्दों के साथ करूँ? माफ करना मास्टर, मुझे नवाबी शौक बिल्कुल नहीं है। खामोश, मैं जो कहता हूँ वो करो। देखो मैं तुम्हारा हुक्म मानने वाला नहीं हूँ, मैं ठाकुर खानदान से हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा दिखेगा। अरे कौन है? चुप, बाप के दिने ये सरस्वती के मंदिर में बैठकर रति की पूजा करना ये तुझे शोभा देता है? अरे क्या कर रही है? हाथ निकाल वरना काट डालूंगा तुझे मैं। हाथ निकाल। अरे ये मार रहा है, ये मुझे मार रहा है, ये माँ के पुत्र मुझे मार रहा है। ए गोरा ठाकुर, बाप पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। अरे मेरा बस चलता तो मेरे बाप की नसबंदी करवा के गांव के बाहर फेंक देता, लेकिन क्या करूं, ये साला मुझे बताता नहीं है कि मेरी माँ कौन है और कहाँ है। ओ गांव की माँ, ओ मेरी शक्ल से तुम्हारी शक्ल मिलाओ, और अगर उसमें से कोई मेरी माँ है तो मुझे गले से लगाओ। ओ माँ, ओ माँ, ओ मिलाओ। नो माय सन, नो, इसमें तेरी माँ नहीं है। नहीं है तो मैं तो टेम्पररीली तेरे लिए नई माँ ढूंढने यहाँ आया था। क्या बात है? अगर तूने मुझे लाठी लगाई तो मैं जिंदगी भर तेरी माँ का पता नहीं बताऊंगा, और तू भरतपुर की गलियों में माँ 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 करते फिरता रहेगा, और तुझे तेरी माँ नहीं मिलेगी, माँ के पुत। बार बार यही बात करके मेरे जज्बातों के साथ खेलता रहता है और मेरा गुस्सा हमेशा ठंडा हो जाता है। अर्जुन जी। बड़े भैया। अर्जुन, हमारे एक दोस्त है राम सिंह ठाकुर, जिनके शहर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है, उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता है तुम्हारे लिए। लड़की शहर में पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालात की है। यह तस्वीर देखो और बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी लगी, अगर पसंद आ जाए तो हम तुम्हारी शादी की बात पक्की कर देंगे। बड़े भैया, मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप और भाभी देखकर पसंद कर लीजिए ना। हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन तुम भी देख लो तो क्या हर्ज है? बाद में तुम ही कहोगे कि लड़की ऐसी है वैसी है तो मुश्किल हो जाएगी। बड़े भैया, आप सारे कस्बे के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, तो आप क्या मेरे लिए गलत फैसला करेंगे? आप ही देख लीजिए ना। ए, लड़कियों की तरह क्यों शर्मा रहे हो? देख के बता दो ना। भाभी आप मुझे मरवाओगी। शर्मा रहा है मुनीम जी? जी मालिक। ये फोटो अर्जुन को दिखाइए और उसे पूछिए कि लड़की पसंद है या नहीं, ताकि हम ठाकुर साहब को जवाब दे सके। बाप के दिन है। हाँ। इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पुत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई।
ए, इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है, इसको तो छोड़ दे मेरे लिए बाप के दिन है। ए, तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? ए, जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूटी टांग मत घुसेट। बोरा काला। ए, माकी। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सुलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं, ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। करो करो। चल चल चल। ए, गोरा गोरा गोरा, सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात कर। हाय दया, समथिंग ने आंख मारी। क्या? क्यों जी, आंख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आंख नहीं मारी, वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए, मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू, यू लव मी? आई लाइक इट, मुझे शर्मा बहुत अच्छा लगता है। नो नॉट नॉट टचिंग, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ, वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज मैरिज, टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल, बैठिए बचपन से। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसी रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी, माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? तो चला गया, चला गया साले बाप। अरे सुनो, कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हाँ, अरे सुनो,